स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्कशीट नंबर 36 एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू. फॉर क्लास 7 वीडियो वी आर रिवाइजिंग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स. सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी विश यू बसंत पंचमी गुड विशेस ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ देवी सरस्वती टू ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू शुड टूडे विश योर टीचर्स हु आर टीचिंग यू द वेरियस सब्जेक्ट्स. ओके, पे योर रिगार्ड्स टू ऑल योर टीचर्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो let us start. Here we are given two lines L1 and L2, and this is a transversal line. You have to fill in the blanks. Angle 4 is equal to angle 6. Why? Because they are alternate interior angles. Angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. Pair of corresponding angles ek likhna hai. We are writing all angle 1, angle 5. Ye corresponding angles hai, equal hai. 4 or 8, 2 and 6 and 3 and 7. आपको लिखना होता है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लाइक दिस. सो हियर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स विल रिवाइजिंग. इन अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसके अंदर आप देख रहे हो एंगल C इज 90 डिग्री. सो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स ओवर हियर. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ये सभी ट्राइंगल्स में पॉसिबिलिटी होती ही है. अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 ही होना चाहिए, ना 180 से कम ना 180 से ज़्यादा. एंड अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है. ये आपका हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एंड बे स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. इस साइड का स्क्वायर आपका इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है. पाइथागोरस थ्योरम को आप क्लास 7 से रीड कर रहे हो, क्लास 10 तक आप इस पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे. यहाँ पर a प्लस बी और c, तो दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर का सिंबल लग जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पर अंशिका हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ ट्राइंगल विच इज़ वेयर ln इज़ 5 एंड mn इज़ 3 एंड राइट एंगल एट m ऑन ईच स्टेप ऑन डिफरेंट शीट्स एंड नाउ शी मिक्सड अप द सीक्वेंस. सब सीक्वेंस मिक्स हो गया. सो यू हैव टू हेल्प हर टू अरेंज द कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप. सो इसका करंट सीक्वेंस सोचिए कि सबसे पहले अंशिका ने क्या किया होगा. ये लाइन बनाई होगी. सो ये आपका फर्स्ट हो गया. फिर उसने 90 डिग्री एंगल बनाया होगा ये वाला. फिर उसने इस 90 डिग्री पे कट किया होगा जितना भी डिस्टेंस दिया है, है ना. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्क लगा है, ये थर्ड हो गया. उसके बाद उसने NL को ज्वाइन किया होगा. सो ये फोर्थ स्टेप होगा और ये फिफ्थ स्टेप होगा. इस तरीके से ये शीट्स सीक्वेंस में लगेंगी. नाउ लेट अस प्रैक्टिस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ यूनिक ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन एंड राइट वाई और वाई नॉट. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC वेयर AB इज 4, BC इज 8 एंड CA इज 3. कैन वी ड्रॉ दिस ट्राइंगल? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ दिस ट्राइंगल बिकॉज AB प्लस CA इज नॉट ग्रेटर देन BC. 4 प्लस 3 आपका 8 सेंटीमीटर से लेस है. सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो ये ट्राइंगल आपका बनेगा ही नहीं. सेकेंड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें XY 6 सेंटीमीटर है, एंगल X 90 है एंड Y इज 120 डिग्री. सो एंगल X और Y को दोनों को ऐड करोगे, ये आपका 210 है. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180 डिग्री. सो हियर ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. आप देख रहे हो ये 180 से ज़्यादा है. थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वे PQ, P एंड एंगल R इज गिवन. सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले PQ को ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर. P पे आप 60 डिग्री बना सकते हो. Q पे कितना बनाओगे? सो Q को कैसे फाइंड आउट करेंगे? 60 और 30 को ऐड किया, 90 आ गया. सो थर्ड एंगल हमारा क्या होगा, 180 से 90 माइनस किया 90 डिग्री होगा. सो इसके स्टेप्स हमारे ऐसे रहेंगे. थर्ड ट्राइंगल के अंदर पहले आप PQ बनाओगे 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर आप एक आर्क लगा के पहला आर्क 60 विदाउट कंपास को चेंज किए, फिर 120 और इन दोनों के बीच में 90, और ये आपका एंगल बन जाएगा, है ना. इसके हमने वीडियोस भी बना रखी है ओल्ड वर्कशीट्स में, आप उसको देख सकते हो इफ़ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. सो ये आपका PQ हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, फिर आप यहाँ पर P पे 60 डिग्री बनाओगे. कैसे? एक आर्क लगाया, ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट आर्क आपका 60 डिग्री हुआ, इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया तो ये 60 बनेगा. सो ये आपका 60 डिग्री बन गया, ये 90. इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल बनेगा. सो दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर 180 डिग्री ओवर हियर एंड इट इज़ अ राइट ट्राइंगल. सो एंगल Q इज 90 डिग्री. एक बार इसको फिर से रिवाइज कराती हूँ मैं बच्चों. देखो पहले आप ये लाइन बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर आप 90 डिग्री बनाओगे. कैसे? आप एक आर्क लगाओगे इस तरह से करके 90 डिग्री होगा. सो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा.
ठीक है, क्यू पर। उसके बाद आप यहाँ पर आर्क लगा के, आर्क आपको पता है ना 60 डिग्री का कैसे होता है, फर्स्ट ही उस पर ये आप 60 डिग्री बनाओगे। ठीक है, ये मैंने गलत थोड़ा शीट पे बनाया, ये आपका आर्क इधर आना चाहिए। ओके, हाँ इसको हम इरेज कर देते हैं, चलो फिर से कर लेते हैं इसको। आपने एक आर्क लगाया विदाउट चेंजिंग द कंपास, फर्स्ट 60 फिर ये 90, उसके बाद इसको आगे ज्वाइन कर दोगे। सो ये आपका, ये जो हमारा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन गया 6 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे हमने आपको एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करके दिखा रखी है सारी चीज़ें। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।